गुरुग्राम में हरियाणा सीएसआर समिट 2018 का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड के गठन के साथ साथ सीएसआर पोर्टल की भी शुरुआत की गई। सीएसआर समिट के जरिए हरियाणा सरकार कॉरपोरेट और कंपनियों को प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहती है। मौजूदा समय में सीएसआर के तरह कंपनियां हरियाणा के विकास कार्यों में हर साल 350 करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि देश में ये बजट सालाना 15,000 करोड़ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कंपनियों से इस बजट को बढ़ाकर 1,000 करने का अनुरोध भी किया। समिट के दौरान लॉन्च किए गए सीएसआर पोर्टल पर 7 विभागों की 24 श्रेणियों की 341 परियोजनाओं की जानकारी दी गई, जिसमें सीएसआर के तहत कॉरपोरेट और कंपनियां काम कर सकती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 15,000 तालाबों, शमशान घाट और कब्रिस्तान के विकास के लिए भी कॉरपोरेट से सहयोग मांगा। सबसे पहले तो आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार जी, 59 वर्ष की उनकी आयु थी, उनका निधन हुआ है। वे पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे। उनके जाने से वास्तव में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसको बड़ी क्षति हुई है। बहुत ही हमारे कर्मठ कर्नाटक राज्य के वो नेता थे। उनके जाने पर मैं अपने प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से, हमारे सब साथियों की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के, उनके साथियों को, उनके परिवार को अकस्मात उनके जाने की क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज एक बहुत लंबे समय से योजना चल रही थी हमारी कि जो कॉरपोरेट जगत है उनके साथ बात करके और जो ओब्लिगेशन सीएसआर की होती है, हालांकि अपनी अपनी योजना से वो सब लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक समन्वय तरीके से, कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये काम हो और एक प्रायोरिटी जिन कामों की हमको ध्यान में आती है, चाहे वो ग्राम विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, लोगों को रोजगार देने का विषय हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हमने प्रदेश के 14,000 तालाब हैं उन तालाबों के सुधारीकरण की बात उनको कही है, शिवधाम नवीकरण योजना में लगभग इतने ही शमशान घाट और कब्रिस्तान हैं उनको हमने ठीक करना है, उनके बारे में भी उनको बताया है, शहरों में, गांव में सार्वजनिक स्थान, सड़कें, मार्ग आदि उनके सौंदर्यकरण का ये विषय भी उनसे हमने निकाला है। इस प्रकार के जितने भी सार्वजनिक काम हैं उनमें इस पैसे का उपयोग हो। अभी तक लगभग 350 करोड़ रुपया ये सीएसआर का हरियाणा में लगता है, सारे कॉर्पोरेट जगत का। हमने अपेक्षा रखी है कि कम से कम 1,000 करोड़ रुपया ये जरूर इनके द्वारा हरियाणा में विकास के कामों में लगाया जाए, क्योंकि कुल देशभर का सभी कंपनियों का सीएसआर फंड 15,000 करोड़ रुपया होता है। इसके लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है ताकि इनको हमारे सभी विभागों की प्राथमिकताएं वो पता लग जाए। उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस, hrianacsr.org। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय भी एक अलग से वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें भी जो लोग गांव में या तो पूरा गांव अडॉप्ट करें अथवा उस गांव का कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए अपने आप को आगे लाते हैं, उनके लिए भी एक नई वेबसाइट ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा बनाई जा रही है, जिसका नाम रहेगा मेरा गांव मेरा गौरव। इस प्रकार एक, चाहे समाज हो, चाहे कॉर्पोरेट जगत हो, बिजनेस जगत हो, उनमें जो उनकी ओब्लिगेटरी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा बढ़ करके समर्पण और त्याग की भावना से इन कामों में उनका कैसे योगदान बढ़े, इस प्रकार का विषय रखा है। और मैं समझता हूँ जितने पार्टिसिपेंट थे, लगभग 250 से ऊपर ऐसी कंपनियों के जो अधिकारी आए थे वो सब लोग इन बातों से सहमत थे कि हमको इस विषय में और आगे बढ़ना चाहिए ताकि समाज को काम में और गति दी जा सके। सीएसआर
हाँ सिस्टम तो यही है कि हमने उनको कहा जो आपका अपना गांव है उधर जाएं, या जो आपके एम्प्लाई का आपके अधिकारी का कोई गांव है उसको अडॉप्ट करें, और फिर पंचायतें उन कामों को अपने अपने गांव की वेबसाइट पर लोड करेंगी, कौन कौन से काम वहां अपेक्षित हैं, उनका कितना एस्टीमेट है, उसको वो चयन करेंगे। और एक बार किसी काम का एक कोई व्यक्ति या कंपनी चयन कर लेती है तो फिर दूसरा उस काम को चयन नहीं करेगा, जो दूसरे काम है उनको चयन करेगा। सर क्या ऐसा कुछ देखिए, ये चूंकि एक स्वप्रेरित काम है, ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये उनका सेल्फ एक मोटिवेटेड काम है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है तो एक ही है कि उनका 2% का जो प्रॉफिट का उनको खर्च करना होता है तो 2% खर्च करने के लिए वो कहीं ना कहीं तो करेंगे। अगर साल भर के अंदर 2% का पैसा खर्च नहीं करते हैं तो फिर उनको जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो उनकी पूछताछ करता है। पोर्टल किस तरह से मदद करेगा सर, पोर्टल लॉन्च किया आपने? वेबसाइट का मैंने बताया, जैसे वेबसाइट का एड्रेस मैंने बताया है haryanacsr.org, तो वेबसाइट का ये जो आईपी एड्रेस है इसमें सारी चीजें बनाई गई हैं, बताई गई हैं, हर एक विभाग का कौन कौन सा सेक्टर ऐसा है और उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कितने प्रोजेक्ट आज उनकी लिस्ट पर हैं, नए प्रोजेक्ट भी जैसे जैसे हमको ध्यान में आते जाएंगे वो उसमें हम चलाते रहेंगे। प्रायोरिटीज उनको हमने बता दी हैं, उन प्रायोरिटीज में जैसे मैंने बताया शिक्षा क्षेत्र के जो प्रकल्प हैं वो चुन सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के नाते वो चुन सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के वो चुन सकते हैं ताकि लोगों को रोजगार ज्यादा ज्यादा मिले, और रोजगार में भी जिन लोगों को ये स्किल डेवलपमेंट में ट्रेन करेंगे तो कॉर्पोरेट जगत को ये कहा गया कि उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट भी अपने यहाँ ही दिलाएं ताकि केवल ट्रेनिंग ना होकर के रह जाए, उस ट्रेनिंग के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो इस प्रकार से ये सारे विषय उनको बताए गए हैं। गांव के विकास में जैसे मैंने बताया कि तालाबों का सुधारीकरण, जैसे मैंने बताया शमशान घाट और कब्रिस्तान जितने हैं उनका नवीनीकरण, इसी प्रकार से सौंदर्यकरण, ऐसे ही प्लांटेशन, हमने 25 लाख पौधे बच्चों के द्वारा लगवाए हैं और उनको भी 300 रुपया 3 वर्ष के लिए उनको बच्चों को हम प्रोत्साहन राशि देंगे, वो राशि भी 75 करोड़ रुपए हर वर्ष बनती है। तो 75 करोड़ रुपए हर वर्ष अगर वो भी मान लो सीएसआर के माध्यम से ये दे सकते हैं, उसको देना चाहेंगे, तो अल्टीमेटली सरकार और कॉरपोरेट जगत सब मिलकर के समाज के विकास के कामों में लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, पब्लिक यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता, ये इसके पीछे का सिद्धांत है।